अब जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना आपको ज़रूरी है इस काउंसलिंग प्रोसेस में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है, कैसे उसको क्या पहले कैसे किस स्टेप्स कैसे फॉलो करना है, ये बहुत ज़रूरी है इसको। अभी क्या होगा कि रैंक के मुताबिक आपको चांस दिया जाएगा ऑप्ट करने के लिए स्पेसिफिक कोर्सेज में। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि सपोज़ U21 के लिए आप काउंसलिंग के लिए आए हैं, आपके पास ऑप्शन है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ECE, पांच ऑप्शंस हैं आपके पास। सपोज़ क्या होगा कि रैंक नंबर 1 को बुलाया गया और उनके पास सारे ऑप्शंस हैं। सपोज़ उन्होंने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया कंप्यूटर साइंस, है ना, तो आप कंप्यूटर साइंस में जो सीट्स होगा वो एक फिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपको दिखाएगा, बाकी ये चीज़ें दिखा। इसी तरीके से रैंक 2 रैंक 3 को ये ऑप्शंस सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। वही चीज़ है, अकॉर्डिंग टू रैंक द कैंडिडेट विल बी गिवन चांस टू ऑप्ट द स्पेसिफिक कोर्स दे वांट टू टेक एडमिशन टिल द सीट्स इन दैट सब्जेक्ट गेट्स फिल्ड अप, है ना। इसी तरीके से करते हुए आपका रैंक 200, 300 जितना भी जाएगा वो आपको सेलेक्ट करने, जिस वक्त सारी सीटें फुल हो जाएंगी, सपोज़ फॉर एग्जांपल जाके 500 पे फिल हो गया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये ज़्यादा भी जा सकता है या कम भी हो सकता है, तो क्या होगा कि सारी सीटें फुल हो गई तो जो 501 है उनको फिर चांस नहीं मिलेगा, वो फिर वेट करें कि कभी कोई शायद कैंसिल कराए एडमिशन या कुछ, अगर मतलब कि ये जो है AUAT आपको अगर देता है कोई क्या बोलते हैं वेटिंग लिस्ट वगैरह नंबर, वेटिंग नंबर, तो आप उसमें फिर अपग्रेड होकर के ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना प्रोसेस। अगर आपको फिर क्या होगा काउंसलिंग में, आपने वो होगा कैंडिडेट को ऑन स्पॉट एडमिशन अलॉट कर दिया गया, तो आप क्या करेंगे, पेमेंट को जो फीस जो रिक्वायर्ड फीस है वो पे करना है, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, वही सेम दिन में विल बी आल्सो डन ऑन द सेम डेट। एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर कोई बोले कि पेमेंट कर दिया तो ये क्या एकदम बिल्कुल गारंटी हो गया एडमिशन के लिए, नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पेमेंट ऑफ एडमिशन फी डज नॉट कन्फर्म द एडमिशन, एडमिशन मे बी कैंसिल इफ एनी डिस्क्रिपेंसी। सपोज़ आपने मार्कशीट कुछ उल्टा पुल्टा किया हुआ है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, इवन इफ आपने पेमेंट कर दिया है फिर भी आपका एडमिशन फाइनल वेरिफिकेशन में कैंसिल हो सकता है। आपको कुछ गाइडलाइंस स्टेप्स दिए गए हैं, कैंडिडेट हैव टू रीच द यूनिवर्सिटी ऑन द डेट ऑफ काउंसलिंग बाय द नोटिफाइड टाइम ऑन द डेट ऑफ काउंसलिंग, जो टाइम आपको बताया गया जिस डेट में बताया गया उसी टाइम में आपको रिपोर्ट करना है। दे हैव टू रिपोर्ट बाय द नोटिफाइड टाइम एंड हैव टू रजिस्टर ऑन द रजिस्ट्रेशन डेस्क, आप जाएंगे वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन डेस्क होगा, आप अपना रैंक बताएंगे, रैंक कार्ड दिखाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट का प्री वेरिफिकेशन होगा और आपकी रिपोर्टिंग टाइम नोट कर ली जाएगी। आफ्टर कलेक्टिंग काउंसलिंग फॉर्म, आपको एक काउंसलिंग फॉर्म दिया गया, प्रेफरेंस फॉर्म, काउंसलिंग फॉर्म और प्रेफरेंस फॉर्म, आपको द रजिस्ट्रेशन डेस्क दे हैव टू फिल द फॉर्म बिफोर एंटरिंग टू द काउंसलिंग हॉल, आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। काउंसलिंग विल स्टार्ट एग्जैक्टली एट द नोटिफाइड टाइम, जो टाइम नोटिफाई किया गया है उसी टाइम आप स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रैंक ऑफ द कैंडिडेट, अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट ऑफ द ऑफर्ड कोर्सेज एंड चॉइस ऑफ द कैंडिडेट एंड अलॉटमेंट लेटर विल बी इशूड टू द कैंडिडेट। स्टूडेंट विथ ए वैलिड अलॉटमेंट लेटर हैव टू पे द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ एडमिशन फी, मोड ऑफ पेमेंट मे बी ऑनलाइन कैश और UPI, आप गूगल पे फोन पे भी कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं या कैश में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको पेमेंट करना है। देन फाइनल वेरिफिकेशन होगा, जैसा हमने बताया, अगर इफ़ एवरीथिंग रिमेन्स अकॉर्डिंगली रोल नंबर विल बी जनरेटेड टू कम्प्लीट द एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ आपका सही निकला तो फिर क्या होगा कि आपका रोल नंबर जनरेट किया जाएगा डिपार्टमेंट वाइज, आपको जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन आपने लिया है चॉइस किया है, और उसी दिन प्रोविजनल आइडेंटिटी कार्ड में भी इशू टू द एडमिटेड स्टूडेंट्स ऑनली, आपको प्रोविजनल एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया जाएगा।